लाइन देख लिया सामने से ले रेंटेड हाउस हो गया हमारा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुए, दे ही नहीं रहे हमें, भी सिर्फ फर्स्ट प्रॉमिसेस मिल रहे, कुछ वैलिड रीजन दिया ही नहीं जा रहा कि घर क्यों नहीं दे रहे। 2 महीने 3 महीने करते करते साल बीतते जा रहे और अभी भी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। सब सारे दरवाजे खटखटा लिए, सब दरवाजे खटखटा लिए, कहीं से कोई श्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट से लेके, ऑफिस से लेके, हमारा से लेके सब कुछ कर रहे हैं, अभी मोर्चा सब कर रहे हैं, लेकिन कोई श्योरिटी है ही नहीं, कोई पिक्चर क्लियर ही नहीं है। अभी बात करते हैं, देखते हैं वही सब क्या कर सकते हैं। बस महाड़ा के ऑफिस में किया था हम लोगों ने एक मोर्चा, और अभी बच्चों को लेके, चिल्ड्रन से बच्चों को सेलिब्रेशन के अलावा हम यहाँ रोड पे लेके खड़े हैं कि कोई कोई तो हमारी कहानी सुनेगा, कोई तो दर्द समझेगा। सब कुछ बिल्कुल लीगल तरीके से घर लिया गया है, सब पेपर है, सब पेमेंट है। पेमेंट होने के बाद भी चाबी के लिए तरस रहे हम लोग, जितना जो बिल्डर की तरफ से डिमांड था वो सब दे दिया, सब ने दे दिया। ऐसा नहीं कि मेरा कैसे, सब दे चुके हैं, सब 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 सब। और अभी बी विंग का तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे, सब बंद है, कुछ पिक्चर ही पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे को मेरा घर नहीं मिल रहा, मेरे मम्मी पापा बहुत तकलीफ में है। मेरे पापा ऑलरेडी दिन संडे को आते हैं मीटिंग्स पे, और आज उन्हें अपनी ऑफिस छोड़ के आना पड़ा इधर, बट कोलपट्टी हमें अपना घर नहीं डाला। कुछ अपील करना चाहोगे किसी से, अपील करना चाहोगे बिल्डर से, सरकार से, या आप घर के लिए? हाँ, बिल्डर से। मैं सीनियर के जी में था जब मेरी मम्मी पापा ने न्यूज़ दी थी, और अभी तक ये घर नहीं मिल रही। सब अपने दोस्तों को बोल दिया है मेरे को नया घर मिल रहा है, बट अभी तक नहीं मिल पाया मेरे को। आपकी क्या है, कितने साल के हो चुके हैं? मैं 7th में हूँ अभी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 12। 12 साल, तो ये कितने साल से ये सब चल रहा है? 7 साल से चल रहा है। तो अभी तक आप घर ही नहीं मिल रहा है? क्या कोई रीजन है, कुछ बताया बिल्डर ने आपको क्यों नहीं दे रहा है, किस बात की? कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस और कुछ नहीं, बस। कुछ अपील करना चाहोगे आप? क्या डिमांड है इस टाइम अभी? क्या बस, हमें अपना घर दिया और हम अपने घर से खुश है सर। आपका
सर आप? सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7-8 साल से हम लोग परेशान हैं, बिल्डर हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइट पे आइए, हमें अपडेट दीजिए, हमें नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल माड़ा एंड बिल्डर कुछ चल रहा है, उसका अभी तक कुछ आउटकम नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि बिल्डर माड़ा के साथ में जो भी उनका कंसर्न लेटर साइन करना है साइन करे और उसी की प्रक्रिया को शुरू करे। तो इतने लोगों को जो कम से कम 500 परिवार है कल्पतरू के अंदर, उनको उनके सपनों का घर मिले, ये बाल दिवस के दिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कितने लोगों के साथ में ये हुआ है? कल्पतरू के अंदर कम से कम 500 से 700 फैमिली है जो 90% पेमेंट पर पे दे चुकी है और उनको उनका घर नहीं मिला। 7 से 8 साल हो गए आज। आप लोगों का पेमेंट पूरा? 95% पेमेंट ऑलमोस्ट सबका पूरा हो गया। ऑलमोस्ट रुकावट बिटवीन माड़ा एंड कल्पतरू के बीच में कंसर्न लेटर साइन होना चाहिए। तो जुलाई 21 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाली थी, उस जीआर के अंदर लिखा था कि अगर कंसर्न लेटर बिटवीन बिल्डर एंड माड़ा साइन हो जाता है तो उसके बाद उसी की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब वो कंसर्न लेटर किस रीजन से साइन नहीं हो रहा है, उसके बीच में क्या अड़चने हैं, वो बिटवीन माड़ा एंड कल्पतरू को अपने आप में सुलझानी होगी। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके फ्लैट लिया है, ICICI ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है, ICICI ने घर पे लोन दिया है, तो हमारे हिसाब से टाइटल पूरा क्लियर है। हमारी कोई भी गलती नहीं, हमने GST पे किया है, हमने स्टैम्प ड्यूटी पे की है और हमने लीगल सिटीजन के सबसे टैक्स पे किया है। हमारी क्या गलती जो हमें घर नहीं मिल रहा? 3-3 करोड़ रुपये दे के रस्ते पे खड़े हैं, रस्ते पे खड़े आ जाओ। रेरा में भी केस फाइल किया है, 55 लोगों ने रेरा में केस फाइल किया है, लेकिन रेरा में कल्पतरू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कल्पतरू उसका पार्टी नहीं है। उसने एक SPP फ्लोट की थी, कियाना वेंचर, बोलता है उसका कल्पतरू से कोई लेना देना नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसे लेने के बाद बोलता है कि इस पार्टी हमारा कोई लेना देना नहीं। उसने राइटिंग में एफिडेविट फाइल किया है रेरा के अंदर, ना ही पैसे वापस दे रहा है ना ही रहने के लिए घर दे रहा है। तो वो एफिडेविट भी हम सबमिट कर सकते हैं। हमने पेंशन में लिया 5% की स्कीम में लिया और आज हमारा लोन का किस्त भी चालू हो गया, वो भी EMI पे कर रहे हैं हम लोग। क्या होगा आप लोगों का जो ये सब प्रॉब्लम? सर पता नहीं क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, भले आपका माड़ा और बिल्डर का क्या इश्यू है उसको आप सॉल्व करो और हम जो है हमारा मकान मिले। सर हम लोग 1-1 लाख 1.5 लाख के रेंट भर रहे हैं सर, 3 करोड़ रुपए इसको इनको अटैक आया था 2 साल पहले साइट पे, हमने मीटिंग करी तब तक इनको अटैक आ चुका है। सर ये बात वहाँ पर मतलब बताई पता है कि आप पता है उनको सब पता है उनकी मीटिंग करते हैं साइट पे मीटिंग करते हैं। प्राइवेट सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप लोगों को इसमें सब है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, BMC रिटायर्ड भी है, लोगों ने अपना सब कुछ बेच के कल्पतरू में पैसा डाला है। सर घर बेच के आज भाड़े पे है, रस्ते पे है। सर अभी आप सुबह से ऑलरेडी तो अभी तक कोई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर, नहीं नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है, गवर्नमेंट भी शांत है। अब गवर्नमेंट में कौन है, हर 6 महीने गवर्नमेंट बदली होती है, कौन है गवर्नमेंट? अगर हमारा OC मिलेगा तो पता चलेगा कि दबाव पड़ा है। अब तो हम रस्ते पे पता नहीं क्या है, नहीं मेरा तो इस तरह से बिल्डर का मामला ही है। रेरा बिल्डरों का ही सपोर्ट कर रहा है, रेरा बोलता है कि कल्पतरू को इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और आप लोग चलते रहो। सर 70-70 लोगों ने रेरा में अपील की है और रेरा का अगला डेट मार्च में है, बोलो। धन्यवाद, थैंक यू। 7 साल हुआ हमारा घर बुक करके, 7 साल से अभी तक हमें घर नहीं मिला और हमारे बच्चे अभी तक जो 7 साल के थे जो 14 साल हो गए अब स्कूल के बाहर आ गए, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, अभी तक मिले नहीं हैं इन लोग हमसे। तो आज हम बच्चों के लेके आए हैं, 11 नवंबर में चिल्ड्रंस डे हैं, आके उनको हम रेड रोजेस दिए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें हमारा घर दो, बस ये एक रिक्वेस्ट था। हम 500 लोगों का घर है, ये 500 लोगों का है, बट आज तकरीबन 400 लोग 200 लोग तो आए हैं सामने अपील करने के लिए। सो बस हम चाहते हैं कि हम लोग जल्दी मिले सोल्यूशन। अभी शायद इसके बाद हम लोग हंगर स्ट्राइक पे ही जाएंगे, हंगर स्ट्राइक आज वो अनाउंस करेंगे आज। कोई नहीं है। लास्ट 2 हफ्ते पहले हम देवेंद्र फडणवीस साहब को मिले थे और लास्ट वीक हम विद्या ठाकुर जी को मिले थे और उसके बाद बोरीवली MLA को मिले, अपना MP को मिले थे। उन लोग पूरे लोग आश्वासन देते हैं बट बिल्डर को हमको OC तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कोशिश चल रही है बिल्डर, अभी तकरीबन 9 महीने से मीटिंग भी नहीं किया हमसे, कोशिश जारी है कि भैया हमें मीटिंग दे दीजिए, हमें हमारे घर दे दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट चालू है। कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है? अभी अंदर जाएंगे हम लोग मिलने के लिए, तभी शायद पता चलेगा। कुछ और कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, अपील करना चाहेंगे? बस हम चाहते हैं कि यार हमारे घर दे दीजिए, 7 साल बहुत टाइम है, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में हैं, बस हमें हमारा घर दे दीजिए। थैंक यू।